नमस्ते, मैं मोविकार वर्सटोप। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल सेफ अबॉर्शन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित गर्भ समापन दिवस पर। ऐसे माँ बनना एक बहुत खूबसूरत एहसास होता है, परंतु जैसे कि एक औरत को बच्चा जन्म देने का अधिकार है, वैसे ही बच्चा ना जन्म देने का अधिकार भी है। इसके लिए ये अपनी तथ्यों तथा कानून के प्रति जो जानकारी होती है, जो तथ्य होते हैं, उसकी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें होनी, हम सबको होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी दिवस पर हम बात करने वाले अपने इलाके की एनम दीदी से। तो आइए हम बात करते हैं अपने इलाके की। आपका परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम है सीमा, मैं इस इलाके की एनम दीदी हूँ। अच्छा, जैसे कि आज हम बात करने वाले इंटरनेशनल सेफ अबॉर्शन डे पर, तो इससे जुड़े मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगी जो हमारे दर्शकों को जनहित के लिए एक अच्छा जानकारी साबित होगा। तो हमारा यही सवाल रहेगा कि क्या गर्भ समापन के लिए हमारे देश में ऐसा कोई कानून है, बना हुआ है? हाँ, हमारे देश में ऐसा कानून बना हुआ है। 1971 के तहत गर्भ चिकित्सा समापन अधिनियम है और एक MTP है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है। इसके तहत में गर्भ समापन किया जा सकता है और यह महिलाओं के लिए काफ़ी लाभदायक है। इसमें अगर महिला नहीं रखना चाहती है तो अपने मन से भी वो अबॉर्शन करा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रेगनेंसी पता चलने पर हमें कितना महीने तक गर्भ समापन कर सकते हैं? वैसे प्रेगनेंसी तो हमें 1 मंथ में ही पता चल जाता है, लेकिन अगर आप जल्दी करवाते हैं तो अच्छी बात है, पर अगर ज़्यादा दिन हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर में अबॉर्शन करा लेना चाहिए। हाँ, जैसे कि अबॉर्शन कहाँ करवाना चाहिए और ये कैसे होता है? वैसे अबॉर्शन हॉस्पिटल में कराना चाहिए या फिर नज़दीक में कोई सब सेंटर है वहाँ भी जाके करा सकते हैं। और यह 2 तरह से होता है, एक है सर्जिकल अबॉर्शन और एक है मेडिकल अबॉर्शन। और सर्जिकल अबॉर्शन में होता है कि आप डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर से मिल करके ऑपरेशन के द्वारा आप अबॉर्शन करा सकते हैं। और मेडिकल अबॉर्शन में है, आप डॉक्टर की सलाह से ही कोई मेडिसिन ले करके अबॉर्शन करा सकते हैं। क्या अविवाहित लोग गर्भ समापन करवा सकती है? हाँ, अविवाहित लोग गर्भ समापन करा सकते हैं। अगर उन्हें कोई प्रेशर है या फिर वो रखना नहीं चाहते हैं, इच्छुक नहीं है, तो डॉक्टर के परमिशन से या फिर डॉक्टर से मिल के अबॉर्शन करा सकते हैं। क्या आपके समुदाय से या आसपास के लोग आपके पास गर्भ समापन के लिए कोई जानकारी लेने या करवाने के लिए आते हैं? हाँ, हमारे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं गर्भ समापन के बारे जानकारी लेने या फिर गर्भ समापन कराने के लिए आते हैं। उसमें विवाहित कुछ रहते हैं, कुछ अविवाहित रहते हैं, कुछ महिलाएं रहती हैं, कुछ पुरुष भी रहते हैं। जैसे महिलाएं नहीं आ पाई तो पुरुष भी आकर उसका जानकारी लेते हैं। और हमारे समुदाय में लोग हैं जो ये चीज़ को मान्यता नहीं देते अविवाहित लोगों को, तो थोड़ा सा झिझकते होंगे। हाँ, है तो अविवाहित रहते हैं वो लोग, थोड़ा डरते भी हैं, झिझकते हैं कि जाएं नहीं जाएं इस तरह से। और विवाहित लोग आते हैं जानकारी लेने के लिए, जैसे घर की परिस्थिति ऐसा कुछ रहता है तो वे अबॉर्शन कराना चाहते हैं, या फिर लड़की के चक्कर में किसी के घर में लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो वो भी अबॉर्ट कराना चाहते हैं, तो उसके जानकारी लेने के लिए आते हैं हमारे पास। तो मतलब जब आते हैं लोग तो सबसे ज़्यादा मतलब खुल के महिला बात कर पाती हैं क्या, कि कौन करता है? वैसे बहुत महिलाएं होती हैं जो खुलकर बात करती है, और कुछ महिलाएं होती हैं जो खुलकर नहीं बात कर पाती हैं, तो उनके साथ में जो रहते हैं उनके हस्बैंड या फिर उनकी बहन जो भी रहते हैं, तो उनके साथी जो रहते हैं वो बात करते हैं। अच्छा, तो आप मतलब करीब 1 महीना में कितने लोग आ जाते होंगे इसकी जानकारी लेने के लिए या गर्भ समापन के लिए? वैसे हमारे इलाके में महीने में ही कम से कम 4 या 5 ऐसे आ जाते हैं इनकी जानकारी लेने के लिए, और गर्भ समापन के लिए 1-2 केस आते हैं। ये तो बहुत जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ के लिए। जिस प्रकार से अभी देश में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर जिस प्रकार से बढ़ रहा है, जितना हो सके लोगों में जागरूकता बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्भ समापन कराने से महिलाओं में कोई खतरा, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? हाँ, महिलाओं में गर्भ समापन से ऐसा बहुत खतरा भी होता है कभी, जैसे पूरा अबॉर्शन अगर नहीं हो पाया, अगर वो पिल्स ली है और कंप्लीट अबॉर्शन नहीं हुआ, कुछ अंश अगर रह जाता है तो इसमें महिला को खतरा होता है। और ऑपरेशन से अगर हुआ है तो उसमें भी अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होने से महिला को खतरा हो सकता है। तो मतलब गर्भ समापन पिल्स के जरिए अगर कराया जाए तो वो कहाँ तक सुरक्षित रहता है? गर्भ समापन पिल से अगर किया जाता है तो वो डॉक्टर के सलाह से लेना चाहिए, और वो ज़्यादातर ऐसा सक्सेसफुल तो होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा है कि कंप्लीट अबॉर्शन नहीं हो पाता है, तो उसके लिए ज़्यादा सलाह तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी
मतलब जो भी डिसीजन हो, जो भी कहना है, वो डॉक्टर के सलाह से ही लेना चाहिए। ये तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने शरीर से जुड़ाव, हर एक चीज़ खुद से नहीं ले सकते हैं, और डॉक्टर से सलाह लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या दवा लेना है, क्या लेना है, वो उसके डॉक्टर हैं कि सही सलाह दे सकते हैं, कैसे लेना है, किस तरह से लेना है, सही सलाह दे सकते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ है तो गर्भ समापन के लिए तो डॉक्टर के सलाह से ही करना चाहिए। तो आपके जीवन में, आपके काम के दौरान ऐसा कोई अनुभव, ऐसा कोई उदाहरण में, जैसे कि कोई अपने मर्जी से औरत खुल के गर्भपात, गर्भ समापन करवाई हो, या किसी का दबाव हुआ हो, ऐसा कोई अनुभव? हाँ, हमारे यहाँ ऐसी एक महिला आई थी जो गर्भ समापन नहीं कराना चाहती थी, पर उनके परिवार से ऐसा प्रेशर आने लगा कि नहीं, अभी हमें नहीं चाहिए, अभी लड़की, जैसे कोई घर में होता है कि उनके घर में लड़कियाँ बहुत ज़्यादा होने लगी, 3-4 लड़कियाँ थी, तो उनके घर वाले उन्हें बोलने लगे कि अबॉर्शन करने के लिए, तो फिर वो मना कर रही थी कि मैं अबॉर्ट नहीं करूँगी। तो ऐसे ऐसे कुछ केसेस आते हैं जिसमें महिला मजबूर हो जाती है अबॉर्ट करने के लिए, जैसे वो नहीं कराना चाहती है, फिर उनका घर परिवार से कुछ प्रेशर रहता है जिससे वो अबॉर्ट करने पे मजबूर रहती है। जो महिला गर्भ समापन करवाना चाहती है उसके लिए आपका क्या सुझाव होगा? अगर महिला के परिवार में या फिर महिला सक्षम है कि वो बच्चा रख सकती है, फैमिली परिवार का आर्थिक स्थिति सब ठीक है, तो सुझाव तो यही देंगे कि वो गर्भपात ना ही कराए। अगर वो अविवाहित है और रखने में सक्षम नहीं है, स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे लोग गर्भपात करा सकते हैं। और अगर महिला गर्भपात कराना चाहती है या फिर करा रही हैं, तो उनके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ऐसा कुछ रहता है, जैसे महिला में कोई प्रॉब्लम, या फिर जो गर्भ में जो बच्चा ठहरा है उसमें कोई दिक्कत हो जाती है, या फिर उसे डर रहता है कि ये मेरा अबॉर्ट हो जाएगा या फिर गिर जाएगा, ऐसा स्थिति रहता है, तभी महिला अबॉर्शन कराना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने एनएम दीदी से बात किया, उन्होंने बताया कि गर्भ समापन के लिए हमारे देश में कानून है और इसकी पूरी जानकारी हम सभी को होना बहुत ज़रूरी है। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना था कि जनहित में सहायता पहुंचाया जाए। एनएम दीदी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी दी, अपने काम से जुड़े महत्वपूर्ण अनुभव को भी बताया। इसी के साथ मैं अपना मुद्दा यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।